तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 18। बिहार में साक्षरता अभियान का कब प्रारंभ किया गया है? 1937। बुद्धवाद और जैन विरोधी आंदोलन किसके विरुद्ध चलाए गए थे? ब्राह्मणों के विरुद्ध। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर। बौद्ध शिक्षा का वर्णन किसमें है? त्रिपिटक। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी। स्वतंत्र भारत में कांग्रेस कमेटी का पहला अध्यक्ष कौन है? महामाया। नील विरोधी विरोध की शुरुआत बिहार के किस जिले में हुई है? मधुबनी। बिहार में कृषकों के सबसे प्रभावशाली नेता कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। राजा राममोहन राय द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना कब की गई? 1828 ईस्वी में। बिहार के मैदान को दो भागों में कौन सी नदी बांटती है? गंगा। बिहार में दक्षिण गंगा के मैदान की औसत ढाल कितनी है? 6 सेंटीमीटर। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। गुरु व प्रधानमंत्री चाणक्य। किस बौद्ध ग्रंथ में धम्म का वर्णन मिलता है? सिगालोवाद सूक्त में। शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? मोहम्मद बहार लोहानी, मोहम्मद बहार खां लोहानी। मीर कासिम बंगाल का नवाब कब बना? 1760 ईस्वी में। बंगाल समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? कर्नल ऑलकॉट। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या था? पाली। बिहार में संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्य विधानसभा मंडल का गठन किया गया? 168वां। राज्यपाल द्वारा एंग्लो इंडियन के कितने सदस्यों को विधानसभा का सदस्य मनोनीत किया जाता है? 1 सदस्य को। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 9 फरवरी 1916। बिहार में मसूर का उत्पादक जिला कौन है? पटना। सबसे प्राचीन नहर बिहार की कौन है? सोन नहर कैनाल। पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1952 ईस्वी। ककोलत जलप्रपात कहाँ है? नवादा में। बिहार के किस क्षेत्र में मंजूषा शैली प्रचलित है? भागलपुर। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां। शाहबाजगढ़ी का अशोक का स्तंभ शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? खरोष्ठी लिपि। ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद। सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? कनाडा। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी। बिहार में सौराठ मेला कहाँ लगता है? मधुबनी में। यह हिंदू धर्म में पंडितों में शादी विवाह होता है, यहाँ पर लड़के और पक्ष और लड़की पक्ष जाते हैं, दोनों में संबंध बनता है और यहीं शादी होती है, इसी को सौराष्ट्र मेला मधुबनी में लगती है, बहुत ही प्रसिद्ध है। पाटलिपुत्र की विख्यात नर्तकी कौन थी? घोषा। 1000 सुइयों पर नाचती थी घोषा, बहुत ही प्रसिद्ध डांसर थी। भोजपुरी भाषा में लिखित पुस्तक कौन सा पुरस्कार भोजपुरी भाषा में लिखित पुस्तक को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? भिखारी ठाकुर पुरस्कार। बिहार का प्रमुख पर्व कौन है? छठ। ये सूर्य देवता के लिए मनाया जाता है, बिहार में काफी प्रसिद्ध पर्व है। भारत की प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन सी है? गंगा मैया तुहें पियरी चढ़ई वो। शाह दौलत का मकबरा बिहार में कहां स्थित है? मनेर। नचारी राग का सृजन किस कवि ने किया? विद्यापति। नचारी राग। बिहार का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? गंडक परियोजना। तो दोस्तों आज बिहार स्पेशल में 40 करोड़ तो हमने कवर जीके को कवर किया है और मैं प्रयास करूंगा कि 30 से 40 लेक्चर को लेकर के चलूं, ऐसे ध्यानपूर्वक देखें समझें और लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, दोस्तों को भेजते रहें और जो भी चीज़ हमें इंपॉर्टेंस लगेंगे उसको मैं प्रयास करूंगा कि उसके साथ जोड़ते चलूं, ताकि किसी प्रकार को की दिक्कत कहीं और से आपको ना खोजना पड़े कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, इस द्वंद्व में आप न रहें। इसलिए इसे देखें और लिखें, प्रयास करें कि लिखते भी रहें और पढ़ें बढ़िया से।